मेन चीज थी वो था कि मिस डायग्नोज, डायग्नोज ही नहीं हुआ तो फिर मेडिसिन तो कैसे ही चलेगी, ये चीज था। ये एक डायग्नोसिस का गैप था मेरे टाइम में, अपने की बात कर रही हूँ। फर्स्ट लाइन जब हुआ था तो उन्हें माइक्रोस्कोपी से किया था, तो एक्चुअली उसमें नेगेटिव आया था मेरा। सो डॉक्टर ने क्या किया, मेरा एक्सरे देखा, देन ही स्टार्टेड फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग। तो तब भी डॉक्टर्स ने मतलब वो सरदर्दी नहीं ली कि हम फर्दर टेस्ट करें कि भाई क्यों ठीक नहीं हो रहा है। तो उन्होंने विदाउट एनी डायग्नोज सिर्फ वही एक्सरे या माइक्रोस्कोपी, तो नेगेटिव ही मेरा आ रहा था, तो उन्होंने जो था मेरा सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग स्टार्ट कर दिया, जिसमें जो स्ट्रिप्टोमाइसिन के इंजेक्शन भी होते हैं। तो उस टाइम मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया था कि मैं 8 महीने अच्छे से मेडिसिन लेती हूँ, देन आई विल स्टार्ट। तो मैंने 8 महीने मेडिसिन लिया था, अच्छे से सारा कुछ किया था, ठीक था, मतलब वही हल्का सा कफ वगैरह मुझे रहता था। देन अक्टूबर की बात है, मतलब मेरा यहाँ पे ना टूरिज्म वीक होता था, तो मैंने सारा कुछ किया, वाज लाइक फीलिंग कम्प्लीटली फाइन। मैं डांस वांस किया खुल के सब कुछ, लेकिन मैं एक रात थी जब मेरा एग्जाम था और मैं अकेली बैठी हुई थी उस टाइम, तो उस टाइम अचानक मेरा फिर से ब्लड आया कफ में, तो मैं डर गई। मैंने फादर को भी कॉल किया था उस टाइम, तो इट वाज लाइक कि हो जाता है समटाइम्स, क्या होता है मैं कोल्ड हुआ होता है काफी टाइम से, तो तब भी हमें कफ में ब्लड आ जाता है, तो डरने की बात नहीं थी। बट इट कॉन्टिन्यूड, थोड़ा थोड़ा निकलता रहा, और मैं अकेली थी उस टाइम, तो थोड़ा सा मतलब डर भी लग रहा था मुझे, पर मैं पढ़ाई करी जा रही थी। तो वो रात तो ना मतलब वर्स्ट नाइट थी मेरी, मतलब नाइट मेयर टाइप ही था वो, जो जो जागे जागे देखता है बंदा। तो मैं ऐसे अपने जहां मैं रहती थी वो मैं अकेली रहती थी, और बरामदे में मैं बैठी हुई थी। सो मेरे पड़ोसी थे वो टचवुड काफी अच्छे थे, तो उन्होंने उस टाइम मेरी काफी हेल्प की थी। तो मॉर्निंग हो गई थी और मैं मतलब ब्लड का वोमिट आने लग पड़ा, वो नहीं था कि थोड़ा थोड़ा ब्लड निकल रहा था, अब सीधा वोमिट आ रहा था और काफी ज्यादा आ रहा था। तो जो पूरा सिंक होता है व्हाइट कलर का, वो सारा रेड हो गया था, पूरा आंगन रेड हो गया था। तो मुझे वो जल्दी से लेके गए, तो डॉक्टर को लगा कि कोई मतलब होता ना कोई नस फट गई हो या कुछ हो गया हो, तो फिर उन्होंने जो वहां पे हमारा टांडा हॉस्पिटल है वहां पे मुझे रेफर किया था, और वहां से फिर फर्दर वो पीजीआई में लेके गए थे। तो वहां से फिर पीजीआई वालों ने उस टाइम बोला कि इसका जीन एक्सपर्ट टेस्ट करवाओ, तो फिर उन्होंने जीन एक्सपर्ट टेस्ट के लिए उन्होंने रेकमेंड किया था। जब जीन एक्सपर्ट किया तो रिफैम्पोसिन रेजिस्टेंट आया था उसमें, देन उसके बाद जो था उन्होंने मेरी जो मेडिसिन स्टार्ट की थी 2 साल वाली, एमडीआर वाली जो होती है। तो डायग्नोज तो एक फाउंडेशन आप बोल सकते हैं कि डायग्नोसिस जो है फाउंडेशन है। एक तो अभी तो मतलब काफी एडवांसमेंट आ चुकी है कि ऐसा है कि ट्रूनेट टेस्ट है, 24 आवर्स में 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है, सीवीनेट में 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। अगर हमें वही बात आपने की विदाउट हमें पता ही नहीं है कि कौन सा टीबी है, कौन सी मेडिसिन इस पे वर्क करेगी, और हम ऐसे ही देते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक है वो इतना वैलिड नहीं होता, जैसे आपने कहा कि परफॉर्मेंस बेस पे, तो उसको तो फेज आउट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे मैंने अपना केस बताया था माइक्रोस्कोपी में, तो वो नेगेटिव ही आ रहा था, राइट? तो उसके बेस पे वो उसके बेस पे ही चले, जिसकी वजह से जो मेरा ट्रीटमेंट है मे बी वो स्टार्टिंग से ही एमडीआर था, जितना मुझे अभी भी मतलब बिलीव है कि वो स्टार्टिंग से ही एमडीआर था। तो वही चीज है, अगर पता लग जाता, अगर माइक्रोस्कोपिक की चलो नेगेटिव भी आ गया ठीक है, अब बट सिम्टम्स तो है ना, इसको सिम्टम के बेस पे अगर वो फर्दर चेक करते, जीन एक्सपर्ट उसी टाइम करवा देते या डीएसटी करवा देते, तो मे बी जो जहां मेरे 5 साल लगे हैं टीबी के ट्रीटमेंट में, उसमें मेरे 2 साल में वो कवर हो जाता, मे बी मैं जहां आज हूं मैं कहीं और होती। तो वही चीज है, वो एक अगर उसको अगर फेज आउट नहीं करेंगे, उसके बेस पे ही ट्रीटमेंट देते जाएंगे, और एक होता है ना वैलिड वो नहीं करेंगे कि ये है इस पर्सन को, ये वाला टीबी इस पर्सन को है और इस रिजल्ट से हमें पता लगे, तब तक तो मतलब डायग्नोज ही गलत है, तो बाकी तो हम क्या ही कर सकते हैं फिर उस चीज में। तो माइक्रोस्कोपी तो अभी अगर इसको फेज आउट कर दे, और डायरेक्ट जो बाकी जो हमारे पास टेक्निक्स हैं जीन एक्सपर्ट्स जैसे आपने बताया सीबीनेट टू नेट, इन पे हम फोकस करें, और इन के बेसिस पे डायग्नोज, इनके डायग्नोज के बेसिस पे हम मेडिसिन और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें ना, तो थोड़ा सा जो है स्पीड अप हो सकता है प्रोसेस। जी क्योंकि ट्रू नेट वगैरह जो ये ब्लॉक लेवल्स पे भी अब मिल मतलब है अवेलेबल, और सैंपल कलेक्शन जो आशा वर्कर वगैरह होते हैं जो मतलब जा नहीं सकता हॉस्पिटल, या जो भी अगर कंडीशन नहीं है या कोई पर्सन नहीं है, तो आशा वर्कर्स होते हैं, वो उनका सैंपल वगैरह कलेक्ट करके उस सैंपल को जो जहाँ टेस्ट होगा वहां दे जाते हैं, और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो जो फर्दर पर्सन होता है वो उस पर्सन से कॉन्टेक्ट करता है फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। सो वेलकम फ्रेंड्स to this new episode of NTB Dialogues 90 for 90 Global Voices series.
this is the midpoint since governments committed to NTB. Over 90 months have passed by since they made the promise. Less than 90 months are left to eliminate tuberculosis globally. And in India, obviously, the time is less because our prime minister has committed to NTB by 2025. So it means like about 28 months are left to NTB. We believe that the people who are affected by the bacteria best know the gaps in the TB response. And with this intent, we have amongst us a very special guest, Vijeta Kumari. She has survived one of the very serious forms of TB known as multi-drug resistant TB, and is a national TB champion. She has not only survived, but risen up to change lives and influence people. Welcome. Bahut bahut swagat aapko. Thank you, Bobby, for inviting me. Thank you. Vijeta, if you don't mind, and please do let me know if you do. Can you share with us what were you doing before the TB bacteria caused the disease? Actually, I was doing my MBA in travel and tourism. So when I was doing my graduation last year, so us time mujhe symptoms aana shuru ho gaye the, but mujhe jyada idea nahi tha. So I have ignored and continued my study. Then I got admission in MBA travel and tourism. तो उसके बाद भी सिम्टम्स थे, बट स्टिल मुझे लगा कि ऐसे ही होगा, वायरल होगा नॉल, बट चलता रहा. फिर एक बार मेरे ब्लड में सॉरी कफ में मेरे ब्लड आया था, जिसकी वजह से फिर मुझे लगा कि थोड़ा सीरियस है, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी. तो उस टाइम मैं एमबीए कर रही थी जब मुझे फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स जो डायग्नोज किया गया था. तो फिर वो सीरीज जो है वो कंटिन्यू रही. फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स का मैंने मेडिसिन खाया था, बट उसका मुझे फर्क नहीं पड़ा था. देन उन्होंने सेकेंड दिया था, सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स, तो उसका भी कुछ मतलब ठीक थी मैं, बट पूरा प्रॉपरली ठीक नहीं थी. फिर मैं एमबीआर से डायग्नोज हुई थी. तो उस टाइम मतलब मेरा एमबीए कर रहा था, लेकिन वो ड्रॉप कर दिया था 2 times, तो मुझे बीच में ही वो छोड़ना पड़ गया था अपना स्टडी. तो फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था. तो डायग्नोसिस कैसे हुई, और वो जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट था वो कितने दिन तक आपको लेना पड़ा? जो फर्स्ट लाइन जब हुआ था तो उन्हें माइक्रोस्कोपी से किया था, तो एक्चुअली उसमें नेगेटिव आया था मेरा. सो डॉक्टर ने क्या किया, मेरा एक्सरे देखा, देन ही स्टार्टेड फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग. सो उस टाइम एक मिसकंसेप्शन ये था कि सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग ही हो मतलब सेंसिटिव टीवी ही होता है. ये थी 2013 दिसंबर की बात, मतलब 10 years बैक सीधा. राइट. तो उस टाइम ये मिसकंसेप्शन था कि पहले सेंसिटिव टीवी ही होता है, तो वो आगे फर्दर अपना जो भी स्पूटम था या वो देते नहीं थे टेस्ट के लिए. तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स उन्होंने स्टार्ट कर दिया. मेरा ठीक था, मेरा कोई ऐसा मुझे सीवियर वो नहीं था, फर्क था हल्का सा, कोई मतलब वेट भी ठीक था, भूख भी ठीक थी, कफ था हल्का हल्का, बट इतना ज्यादा नहीं था. मैंने जैसे ही मेडिसिन खत्म किया, तो उसके ही 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वो रिलैप्स हो गया था मेरा. मुझे याद है मतलब मैं कॉलेज कर रही थी, तो तब मैंने सोचा कि मैं ड्रॉप कर लेती हूँ, मे बी मैं खाना नहीं अच्छे से प्रॉपर खा पा रही हूँ कॉलेज में, या और भी इशू हो सकते हैं. तो तब भी डॉक्टर्स ने मतलब वो सरदर्दी नहीं ली कि हम फर्दर टेस्ट करें कि भाई क्यों ठीक नहीं हो रहा. तो उन्होंने विदाउट एनी डायग्नोज सिर्फ वही एक्सरे या माइक्रोस्कोपी, तो नेगेटिव ही मेरा आ रहा था. तो उन्होंने जो था मेरा सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग स्टार्ट कर दिया, जिसमें जो स्ट्रिप्टोमाइसिन के इंजेक्शन भी होते हैं. तो उस टाइम मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया था कि मैं 8 महीने अच्छे से मेडिसिन लेती हूँ, देन आई विल स्टार्ट. तो मैंने 8 महीने मेडिसिन लिया था, अच्छे से सारा कुछ किया था, ठीक था, मतलब वही हल्का सा कफ वगैरह मुझे रहता था. देन अक्टूबर की बात है, मतलब मेरा यहाँ पे ना टूरिज्म वीक होता था, तो मैंने सारा कुछ किया, आई वाज लाइक फीलिंग कम्प्लीटली फाइन. मैं डांस वांस किया खुल के सब कुछ. लेकिन मैं एक रात थी जब मेरा एग्जाम था और मैं अकेली बैठी हुई थी उस टाइम, तो उस टाइम अचानक मेरा फिर से ब्लड आया कफ में. तो मैं डर गई, मैंने फादर को भी कॉल किया था उस टाइम. तो इट वाज लाइक कि हो जाता, समटाइम्स क्या होता है, मैं कोल्ड हुआ होता है काफी टाइम से, तो तब भी हमें कफ में ब्लड आ जाता है, तो डरने की बात नहीं थी. बट इट कॉन्टिन्यूड, थोड़ा थोड़ा निकलता रहा, और मैं अकेली थी उस टाइम, तो थोड़ा सा मतलब डर भी लग रहा था मुझे, पर मैं पढ़ाई करी जा रही थी. तो वो रात तो ना मतलब वर्स्ट नाइट थी मेरी, मतलब नाइटमेयर टाइप ही था वो, जो जो जागे जागे देखता है बंदा. तो मैं ऐसे अपने जहां मैं रहती थी वो मैं अकेली रहती थी, और बरामदे में मैं बैठी हुई थी. सो मेरे पड़ोसी थे, वो टचवुड काफी अच्छे थे, तो उन्होंने उस टाइम मेरी काफी हेल्प की थी. तो मॉर्निंग हो गई थी और मैं मतलब ब्लड का वोमिट आने लग पड़ा. वो नहीं था कि थोड़ा थोड़ा ब्लड निकल रहा था, अब सीधा वोमिट आ रहा था, और काफी
ज्यादा आ रहा था, तो जो पूरा सिंक होता है व्हाइट कलर का, वो सारा रेड हो गया था, पूरा आंगन रेड हो गया था। तो मुझे वो जल्दी से लेके गए, तो डॉक्टर को लगा कि कोई मतलब होता ना कोई नस फट गई हो या कुछ हो गया हो। तो फिर उन्होंने जो वहां पे हमारा टांडा हॉस्पिटल है वहां पे मुझे रेफर किया था, और वहां से फिर फर्दर वो पीजीआई में लेके गए थे। तो वहां से फिर पीजीआई वालों ने उस टाइम बोला कि इसका जीन एक्सपर्ट टेस्ट करवाओ। तो फिर उन्होंने जीन एक्सपर्ट टेस्ट के लिए उन्होंने रेकमेंड किया था। जब जीन एक्सपर्ट किया तो रिफैम्पोसिन रेजिस्टेंट आया था उसमें। देन उसके बाद जो था उन्होंने मेरी जो मेडिसिन स्टार्ट की थी 2 साल वाली, एमडीआर वाली जो होती है। तो बहुत सारे ऐसे फेजेस थे, क्योंकि एक तो अवेयरनेस नहीं थी, फर्स्ट तो वही होता है अवेयरनेस नहीं होती, स्टिग्मा था, तो किसी से बात नहीं अच्छे से करनी, रिलेटिव की वो रहती थी, तो बहुत कुछ चलता रहता था। बट मेरा जो मेन चीज थी वो था कि मिस डायग्नोस, डायग्नोज ही नहीं हुआ तो फिर मेडिसिन तो कैसे ही चलेगी, ये चीज था। ये एक डायग्नोसिस का गैप था मेरे टाइम में, अपने की बात कर रही हूँ, बट अब ये मिसकंसेप्शन हट गई है। अब जैसे ही किसी को सिम्टम्स आते हैं तो उनका अगर सेंसिटिव टीवी ना आए तो दे फर्दर सेंड इट टू फॉर द कल्चर, कि चेक करते हैं कि एमडीआर एक्सरे कुछ ऐसा तो नहीं है। तो ये एक अच्छी बात होगी अभी के टाइम में। तो बड़ी आपकी जबरदस्त स्टोरी है, ये तो बहुत ही पावरफुल। खास तौर से देखिए गैप्स कितनी चीजें अवॉइड हो सकती थी अगर सही डायग्नोसिस सही टाइम पे हो जाए, तो आप देखिए कितनी ह्यूमन सफरिंग कम हो सकती है। लेकिन मैं अब आपसे सुनना चाहूंगा कि जो कि इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, इस क्योंकि ये पहली कड़ी है, एंट्री गेट एक तरीके से टीबी केयर पाथवे में, है ना। क्योर तक की जर्नी तो तभी पूरी होगी जब डायग्नोसिस अर्ली हो, एक्यूरेट हो और टीबी फैलना भी रुकेगा। तो डायग्नोस तो एक फाउंडेशन आप बोल सकते हैं कि डायग्नोसिस जो है फाउंडेशन है। एक तो अभी तो मतलब काफी एडवांसमेंट आ चुकी है कि ऐसा है कि ट्रूनेट टेस्ट है, 24 आवर्स में 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है, सीवीनेट में 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। अगर हमें वही बात आपने कि विदाउट हमें पता ही नहीं है कि कौन सा टीबी है, कौन सी मेडिसिन इस पे वर्क करेगी, और हम ऐसे ही देते, एक तो एंटीबायोटिक्स इतनी ले लेगा तो बॉडी तो वैसे डिटीरियोरेट हो जाएगी। तो मेन चीज जो है हमें तो डायग्नोसिस पे फोकस करना चाहिए। डायग्नोसिस के बाद आएगी मेडिकेशन, जो भी चलो वो करण बाद में बताएंगे, मेडिसिन जो शॉर्टेज का चल रहा है वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन डायग्नोसिस के लिए तो अब तो काफी एडवांसमेंट आ गई थी। अभी मैं पीछे जब आप उन्ना की बात की, तो अभी मैं टीबी रिव्यू मीटिंग में गई थी, तो वहां पे उन्होंने एक ऐसी मशीन है, डिजिटल एआई मशीन है वो वहां पे, तो वो मतलब कुछ सेकंड में ही बता देते इस पर्सन को टीबी है कि नहीं है, वो एआई बेस्ड हो चुका है। तो अभी मतलब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो 2013 का टाइम था वो अब नहीं है, बट स्टिल आई मीन डाउट कि जो टीबी है 2025 तक खत्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो मुझे अभी बहुत बड़ा डाउट है उस चीज में। बट यार गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट, काफी अच्छी मतलब जो टेक्निक्स हैं वो लेके आ रही है, मेथड्स लेके आ रही है, सो दैट कि पता लग जाए, क्योंकि मिसकंसेप्शन भी हट रही है, अवेयरनेस भी हो रही है लोगों में, तो वो भी बहुत एक बड़ा फैक्टर है इस चीज में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि तकनीक हमारे पास है, जैसे आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है ऊना मतलब में। ऊना में नहीं हो रहा था वो उस टाइम, वो अभी उन्होंने लॉन्च किया था, सो दैट कि जो वो रिमोट एरियाज हैं वहां पे जाके, जैसे लेबरर्स हो गए और भी ऐसी ऐसी जगह होती है जहाँ पे मतलब इजीली जा नहीं सकते लोग, या मतलब जो हॉस्पिटल्स है वहां आ नहीं सकते, तो वो वैसे ही स्क्रीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि लेटेंट फेज होता है कि सिम्टम्स नहीं होते, जैसे आपने बात की थी, अगर सिम्टम्स नहीं किसी को होंगे तो उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन उसके अंदर टीबी होता है, लेटेंट फॉर्म में पड़ा होता है, जो कि जब भी उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। तो उनको भी अगर हम पहले प्रिवेंटिव थेरेपी दे दें तो उससे क्या होगा कि उनका जो है एक्टिव होने का खतरा जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, मतलब हर जगह हर ब्लॉक में जाके, जो रिमोट एरियाज में जाके जो बिलो द पॉवर्टी हैं, लेबरर्स हैं, उन सब की जाके। तो मेन वही है कि वो डायग्नोसिस पे भी फोकस कर रहे हैं, ताकि अगर कोई है तो उसको सब पहले ही जो लेटेंट फेज में है जो भी पर्सन है तो वो एक्टिव होने से बच सके, तो ये ट्रांसमिशन का जो खतरा है वो खत्म हो सकेगा ऐसे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आपने बताई है ना, टीपीटी वाली बात भी, प्रिवेंटिंग टीबी, ये भी बहुत जरूरी है कि जिन्हें लेटेंट टीबी है और उससे उनको एक्टिव डिजीज ना हो, बहुत जरूरी है। माइक्रोस्कोपी को फेज आउट करने की जो प्रक्रिया है उसे बहुत तेजी लानी पड़ेगी, जिससे कि कम से कम जो लोगों की जांच हो पा रही है वो तो सही से हो और उसके बाद हम लोग इलाज के बारे में बात करें। इस पर हम लोग आपकी बात सुन लें थोड़ी सी है और। कि जो माइक्रोस्कोपी का है वो इतना वैलिड नहीं होता, जैसे आपने कहा कि परफॉर्मेंस बेस पे,
तो उसको तो फेज आउट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने अपना केस बताया था माइक्रोस्कोपी में, तो वो नेगेटिव ही आ रहा था, राइट। तो उसके बेस पे वो उसके बेस पे ही चले, जिसकी वजह से जो मेरा ट्रीटमेंट है, मे बी वो स्टार्टिंग से ही एमडीआर था, जितना मुझे अभी भी मतलब बिलीव है कि वो स्टार्टिंग से ही एमडीआर था। तो वही चीज है, अगर पता लग जाता, अगर माइक्रोस्कोपिक की चलो नेगेटिव भी आ गया ठीक है, अब बट सिम्टम्स तो है ना, इसको सिम्टम के बेस पे अगर वो फर्दर चेक करते, जीन एक्सपर्ट उसी टाइम करवा देते या डीएसटी करवा देते, तो मे बी जो जहां मेरे 5 साल लगे हैं टीबी के ट्रीटमेंट में, उसमें मेरे 2 साल में वो कवर हो जाता, मे बी मैं जहाँ आज हूँ मैं कहीं और होती। तो वही चीज है, वो एक अगर उसको अगर फेज आउट नहीं करेंगे, उसके बेस पे ही ट्रीटमेंट देते जाएंगे, और एक होता है ना वैलिड, वो नहीं करेंगे कि ये है इस पर्सन को, ये वाला टीबी इस पर्सन को है और इस रिजल्ट से हमें पता लगे, तब तक तो मतलब डायग्नोज ही गलत है, तो बाकी तो हम क्या ही कर सकते हैं फिर उस चीज में। तो माइक्रोस्कोपी तो अभी अगर इसको फेज आउट कर दे, और डायरेक्ट जो बाकी जो हमारे पास टेक्निक्स हैं जीन एक्सपर्ट्स, जैसे आपने बताया CBNAT TrueNAT, इन पे हम फोकस करें, और इनके बेसिस पे डायग्नोज, इनके डायग्नोज के बेसिस पे हम मेडिसिन और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें ना, तो थोड़ा सा जो है स्पीड अप हो सकता है प्रोसेस। तो आपने बिल्कुल सही कहा, और देखिए ये भी बात जरूरी है कि अगर टेस्ट, अगर व्यक्ति टेस्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है या पहुंच पा रही है, तो आज हमारे पास ये सुविधाएं हैं, ऐसे WHO एक्रेडिटेड टेस्ट है ट्रूनेट जैसे, जो प्राइमरी लेवल पे जा सकते हैं, या या जो फिर सैंपल कलेक्शन सिस्टम या कुछ भी करिए, लेकिन समय क्योंकि से व्यक्ति की जांच होनी बहुत जरूरी है और इलाज से जुड़। जी TrueNAT वगैरह जो ये ब्लॉक लेवल्स पे भी अब मिल मतलब है अवेलेबल, और सैंपल कलेक्शन जो आशा वर्कर वगैरह होते हैं जो मतलब जा नहीं सकता हॉस्पिटल, या जो भी अगर कंडीशन नहीं है या कोई पर्सन नहीं है, तो आशा वर्कर्स होते हैं, वो उनका सैंपल वगैरह कलेक्ट करके उस सैंपल को जो जहाँ टेस्ट होगा वहां दे जाते हैं, और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो जो फर्दर पर्सन होता है वो उस पर्सन से कॉन्टेक्ट करता है फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। जी बिल्कुल, बहुत बहुत जरूरी बात आपने बताई ये, क्योंकि ये लिंकेज टू केयर और ये जो रेफरल सिस्टम, ये सब भी बहुत जरूरी चीजें हैं। और अभी आपने कहा कि 2 साल, 5 साल में अगर सही से इलाज होता तो 2 साल में हो सकता था, लेकिन आज की तारीख में आपको पता है कि वो अवधि और कम हो चुकी है। और या जी उसके इट्स बारे नाइन में मंथ्स बताया। नाउ, 9 months नाउ, जो प्री एमडीआर होता है इस 9 months, और जो अभी एमडीआर है वो अभी 18 months का हो गया 24 months से, लेकिन भीपाल की जो आई है नई नया कोर्स आ रहा है, नई रेज्यूमे आई, वो अगर वो भी है अवेलेबल हर जगह, नहीं हर किसी को नहीं वो देते, तो वो भी उससे भी शॉर्टर हो जाएगा, 6 month तक हो जाएगा वो। तो या प्रोग्रेस कर रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट या ऐसा नहीं है कि हम एक जगह पे ही रुके हैं, थोड़ी चीजों में पता है, ये ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट ही ट्राई करिए, गवर्नमेंट ही ट्राई करिए, उनके ट्राई करने से ही अकेले से कुछ नहीं होता, अगर हम लोगों को भी पुश करना पड़ेगा तो प्रोसेस स्पीड अप होगा, और जल्दी से जल्दी हमें उन चीजों के रिजल्ट मिलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग को भी सब सबको लगना चाहिए इस मुहिम में, कि जो क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनके ट्रीटमेंट, एक तो वो टॉक्सिक कम है, उसकी विषाक्तता कम है, दूसरी उसकी अवधि बहुत कम है, ड्यूरेशन कम है नए ट्रीटमेंट रजीम्स की, और सबसे बड़ी बात जो है कि वो उसका ट्रीटमेंट आउटकम बहुत ज्यादा है। हाँ कुछ बोलिए। मतलब ट्रीटमेंट इफेक्टिव है, बेडाक्विन लगी हुई है, BDQ लगी हुई है, तो उसके रिजल्ट्स काफी इफेक्टिव है, मतलब अब तो सबको ही मिलती है वो, पहले नहीं मिलती, जब स्टार्टिंग में क्या किया था इन्होंने कि BDQ के साथ वो कैनामाइसिन भी दे रहे थे, जब वो थोड़ा टेस्टिंग फेज वगैरह में चला हुआ था, लेकिन अब इन्होंने कैनामाइसिन बंद कर दिया है, अब वो डायरेक्ट BDQ दे रहे हैं और बाकी जो मेडिसिन है वो दे रहे हैं, तो इससे क्या हो गया, तो क्योंकि BDQ तो 4 से 6 महीने तक होती है, तो वो खत्म हो जाता है, तो उनकी मेडिसिन भी खत्म मतलब थोड़ी कम हो जाती है, तो जो टीवी वॉरियर्स होते हैं उनको थोड़ा हौसला मिलता है कि हमारी दवाइयाँ कम हो गई है, और इसके गलत इफेक्टिव है, तो इसका क्योर रेट बहुत ज्यादा है, काफी मतलब वो अच्छा फील करने लग पड़ते हैं, मतलब आप मान लो कि 4 से 6 महीने बाद वो थोड़ा इतना फील करने लग अच्छा फील करने लग पड़ता है कि वो अपना जो भी वर्क है वो थोड़ा बहुत तो रिज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग मतलब काफी टीवी वॉरियर्स के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, मतलब कुछ क्योंकि सब इंडिविजुअल, वैसे साइड इफेक्ट्स को सबके अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है कि सबको सेम ही साइड इफेक्ट्स होंगे, और बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है, लेकिन क्योर रेट ज्यादा है और जल्दी जल्दी ठीक होने लग पड़ते हैं, थोड़ा मोराल भी बढ़ता है, तो वो बैक टू नॉर्मल आना थोड़ा शुरू हो जाता है उनका। बिल्कुल,
बिल्कुल। और अब आप बहुत सीरियस बात है, उसको उसको जरूर उठाइए कि जहां पर हमें ये एक तरफ तो ये सुनिश्चित करना है कि जो लेटेस्ट रेजिमेंट्स है ट्रीटमेंट वाले वो सबको मुहैया कराए जाएं, कि 1 महीने का ट्रीटमेंट रेजिमेंट है प्रिवेंटिव थेरेपी वाला, टीपीटी वाला, जिससे कि लेटेंट टीबी वाले व्यक्ति को एक्टिव डिजीज ना हो। 4 महीने का आ गया है ड्रग सेंसिटिव टीबी का, जो कहीं ज्यादा इफेक्टिव है, शॉर्टर है, लेस टॉक्सिक, तो वो वाला अवेलेबल हो। और 6 महीने का बीपाल और बीपाल एम रेजिमेंट जो आपने अभी बोला, और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का, वो भी बहुत जरूरी है, कहीं ज्यादा इफेक्टिव, शॉर्टर, ऑल ओरल, और अवधि भी कम है। तो एक तरफ तो हमें नए रेजिमेंट्स इंश्योर करने हैं, दूसरी तरफ ये भी इंश्योर करने हैं कि उसकी जो सप्लाई चेन इशू है उसमें शॉर्टेज और ड्रग स्टॉकआउट ना हो। सर, अभी जो है टीबी ड्रग शॉर्टेज ना बहुत बड़ा इशू है, लाइक बहुत मतलब बड़े लेवल का इशू है कि ग्रुप में जो पर्सन है साइक्लोसिन नहीं मिल रही, और भी दो तीन मेडिसिन है वो उनको नहीं मिल रही। अगर यही मेडिसिन उनको नहीं मिलेगी तो ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस तो रहेगी ही नहीं। तो अभी तो है, मैंने मतलब मेरा मानना ये है, अभी इस मुद्दे पे जो टीबी पेशेंट को ही नहीं, टीबी वॉरियर्स को नहीं, जिनको है ही नहीं, वो भी इस बात को उठाएं, वो भी इस बात में सपोर्ट करें। क्योंकि अगर अगर वो रिस्क पे है, टीबी वॉरियर रिस्क पे है, उनका टीबी एक्टिव है, वो 10-100 लोगों को कर सकते हैं, और वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का लाइक रिस्क बढ़ जाता है। तो आज अगर उनको नहीं है तो कल उनको भी हो सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम टीबी के साथ ही एक स्टिग्मा है, स्टिग्मे में क्या होता है, वो बताता नहीं है, मुझे होगा मैं नहीं बताऊंगी, मैं खांसती रहूंगी मैं बताऊंगी नहीं। और कईयों को नहीं पता होते कफ एटिकेट्स, नहीं पता होते कैसे कफ करना, कैसे हाइजीन रखनी है, तो इससे रिस्क बढ़ जाता है। और हम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो उस पर किसी को हुआ हो तो इजिली हमें भी हो सकता है वो चीज। तो ये सिर्फ हम टीवी वॉरियर्स का ही नहीं है इशू है, ये हम सब का इशू, जो कि हमें मुद्दा उठाना चाहिए। मैंने वीडियोस भी बनाई, बड़ा कुछ किया, हेल्थ मिनिस्टर को मैंने टैग किया वहां पे, बट मुझे किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब मेरे को इतना ये लग रहा है कि अवेयरनेस करने का भी कोई फायदा नहीं। गवर्नमेंट बहुत ट्राई कर रही है, क्योंकि तो अभी मैं रीच के साथ में जैसे बताया काम कर रही थी, अवेयरनेस की बहुत सारी मैंने एक्टिविटीज की अवेयरनेस से रिलेटेड, बट उसका फायदा तब है जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है टीवी वॉरियर्स का, उनको मेडिकेशन मिले और वो ठीक हो जाए। अगर वही ठीक नहीं हो रहे तो अवेयरनेस करके हम क्या कर लेंगे? अवेयरनेस का तो कोई फायदा ही नहीं रहेगा ना, जब कम्युनिटी में ऑलरेडी वो फैल ही जा रहा है, रिस्क बढ़ रहा है, तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। बट वही है, बट आई डोंट नो, कोई भी उठ नहीं रहा है, कोई भी, मेरे को नहीं लग रहा कोई, मतलब जिनको प्रॉब्लम्स है जस्ट वो वीडियोस पे कमेंट कर देते हैं हमें दिक्कत है, लेकिन हमें, मेरे को लगता है कि एकजुट होके अभी यूनिटी दिखानी ही चाहिए, पॉजिटिव वे में हमें बात करनी चाहिए। क्योंकि ये मुद्दा कोई मेरा और उसका नहीं है, हम सबका है, वो मुझे लगता हुआ है। मैंने ट्विटर पे भी किया था और भी वीडियोस भी बनाई है, मतलब रेगुलर उस पर रहती हूँ, तो अभी तो कुछ भी नहीं, कोई मुझे इसमें मतलब सुधार नहीं लग रहा है। क्योंकि किसी ने अभी टीबी एक्टिविस्ट नाम से है एक आईडी ट्विटर पे, तो वहां पे वो किसी डॉट सेंटर में उन्होंने लगा दिया था कि ये मेडिसिन जो है अवेलेबल ही नहीं है, और वो मेडिसिन इतनी एक्सपेंसिव है। साइक्लोस्ट्रीन का जो है, जो एक स्ट्रिप है जिसमें 10 टैब्स होती हैं, इट्स अराउंड 600। अब मान लो कि अगर जो बंदा 2 से 3 मेडिसिन डेली ले रहा है, तो 2 या 3 दिन में वो स्ट्रिप खत्म हो गई, और उसे लेनी कितनी है, या तो 9 महीने लेगा या वो 18 महीने लेगा जिस हिसाब से, तो उसका कॉस्ट कितना पड़ गया एक बंदे को, बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ गया। और जो बिलो पॉवर्टी है वो तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, और मिडिल कास्ट में भी क्या होता है, एक ही बंदा कमा रहा होता है, एक ही पर्सन घर में कमा रहा होता है, या तो वही कमा रहा होता है या कोई और भी कमा रहा होता है, उस पर फाइनेंशियल बर्डन कितना पड़ेगा। इवन मैंने आर्टिकल भी पढ़े कि कुछ लोग जो है लोन ले रहे हैं टीबी के ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने के लिए, मैंने ये भी पढ़ा है। तो जब ये हमारे पास, चलो मैं ये नहीं कहती हम पहले भी अवेलेबल, जब मैंने दवाइयां खाई है तो मुझे कभी कोई ऐसा दिक्कत नहीं आया कि मुझे शॉर्टेज हुई या कुछ हुआ। मे बी देर इज अ लूप होल, जो जैसे अब अभी पैंडेमिक आई थी तो सारा ध्यान कोविड की तरफ चला गया, राइट? मे बी उस टाइम कुछ हुआ हो या कुछ भी ऐसी चीज हुई हो जिसकी वजह से एकदम से टीबी वॉरियर्स का रेट बढ़ गया होगा, और हमारे पास जो सप्लाई चेन थी वो उतनी नहीं थी, तो जिसका जो हमें अभी साइड इफेक्ट, इसका अभी जो है हमें अब झेलना पड़ रहा है। और यही दो ही रीजन होते हैं, या अवेलेबल नहीं है मेडिसिन, या फिर गवर्नमेंट अफोर्ड ही नहीं कर पा रही है, वट एवर द रीजन। नो डाउट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, हर जगह से वो कर रहे हैं ट्राई, बट दैट इज नॉट इनफ। क्योंकि अगर हमें टीवी
खत्म करना है 2025 में, तो आई थिंक ये एफर्ट्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम है, अगर हम उसको ही खत्म नहीं कर पाएंगे तो हवा में बातें करने से तो कुछ भी नहीं होगा ना। आप और मैं बातें कर लेंगे, सिर्फ टीवी तो खत्म नहीं होगा, राइट? या मैं किसी और से बात कर लूंगी, सिर्फ टीवी खत्म नहीं हो, हमें ग्राउंड लेवल पे जो सीरियस इशू है, जैसे अभी अभी जो एग्जिस्टिंग इशू है टीवी ड्रग शॉर्टेज का, उस पे मिल जाए उन लोगों को मेडिसिन जो अभी जिनको नहीं मिल रही है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, जब फार्मेसी में कहीं अवेलेबल है कर रहे हैं, पर मेन मुद्दा भी यही है ना कि तो फार्मेसी में भी अवेलेबल नहीं, अगर अवेलेबल है तो वो इतनी कॉस्टली है कि नहीं कर पा रहा कोई अफोर्ड, ये बात है। क्योंकि तो इसका ट्रीटमेंट आपको पता ही लाखों में जाता है, और एवरेज जो होती है, अगर कोई कमा भी रहा 10-15 हज़ार कमा रहा है, उससे कहाँ वो अपना न्यूट्रिशन पूरा करेगा और कहाँ से अपनी दवाइयां लेगा वो, तो ये तो अभी बहुत सीरियस मुद्दा है। बट अभी तो कोई इसमें मुझे वो नहीं लग रहा, सुधार नहीं लग रहा है। बहुत सारे ग्रुप में आते हैं कमेंट्स की मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन नहीं है, मेरे से खुद बोलते हैं कि दीदी बताओ मैं क्या करूं, मुझे नहीं मिल रही, इतने दिन का गैप हो गया ये, मैं खुद हेल्पलेस हूँ इस चीज में। आई विश मैं कुछ कर पाती, बट मैं बिल्कुल खुद हेल्पलेस फील कर पाती हूँ, क्योंकि हम बोलते हैं मेडिसिन का ट्रीटमेंट अडेरेंस कितना इंपॉर्टेंट, हम वो सबको बताते हैं, पर वो मेडिसिन ही नहीं है, कहाँ से अडेरेंस करेंगे हम, कहाँ से हम ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट करेंगे। तो वही चीज है, सबको सबको डर लगा रहता है कि बिकॉज टीबी से ये भी जुड़ा था, तो स्टिग्मा तो है ही, फियर ऑफ डेथ रहता है, जब आपका ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है फियर ऑफ डेथ रहता है, तो इसी में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स अगर आप कभी पढ़ोगे मेरे उस पर, तो आपको भी बोलोगे कि काश मैं कुछ कर पाता, क्योंकि उसमें यही है कि एक लड़की बोल रही थी कि भगवान ही हमें बचा सकता है, टीबी से तो हमें कोई नहीं बचा सकता, क्या करूं मैं, क्योंकि मेडिसिन नहीं मिल रही है, और हम खुद ही बोल रहे हैं कि ट्रीटमेंट पूरा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बट वो अभी की डेट में पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा हमसे, तो भी ये इश्यू है मेजर। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि मतलब इस ये वाले इशू तो 100% इसको रिजॉल्व करना चाहिए, चाहे टीबी हो या अन्य रोग। हमें ये तो जांच और जो इलाज है उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं, चाहे वो डायग्नोस्टिक्स की सप्लाई हो, चाहे वो दवाएं हो, ये तो सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है और बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो जो भी कारण हो, मुझे उम्मीद है कि जल्दी रिजॉल्व होंगे और दोबारा कभी नहीं पनपे, चाहे वो टीबी प्रोग्राम हो या कोई और हेल्थ प्रोग्राम हो। आपने तो स्टिग्मा को बिल्कुल, जो मैं आपका व्यूअर हूँ, आपका बहुत प्रशंसक रहा हूँ काफी टाइम से, तो मुझे तो लगता है आपने बिल्कुल उसको कहते ना, बिल्कुल हेड ऑन लिया आपने और उलट के रख दिया। और आप कितने लोगों की हिम्मत बंधी बनी, मैं देखता हूँ कई कमेंट्स आते हैं, लोग आपसे पूछते हैं कि जब उन्हें कोई दिक्कत आती है कि या उन्हें गाइडेंस की जरूरत होती है, तो या वो किसी से साथ कोई चीज साझा करना चाहते हैं तो वो आपसे साझा करते हैं इस सोशल मीडिया के मंच पे। तो आप जरा हमें ये बताइए कि आपने ये कहाँ से प्रोत्साहन मिला, कहाँ से ये आपको प्रेरणा मिली कि इसका यूज करें, और इसका क्या अनुभव रहा आपका, क्योंकि तो काफी लंबा जर्नी रही है आपकी, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए प्लीज। थैंक यू। स्टिग्मा का ये है कि स्टिग्मा मुझे फेस इतना नहीं करना पड़ा, क्योंकि फैमिली सपोर्ट मेरे साथ था, चलो रिलेटिव बढ़िया का बात थोड़ा बहुत है। होता है, तो उसको तो रिलेटिव को तो मैं काउंट नहीं करती उस चीज में, सो उनका हमेशा से ही था कि हमेशा से साथ थे, तो मुझे कभी फील नहीं हुआ ऐसा, आइसोलेशन फील नहीं हुआ या स्टिग्मा फील नहीं हुआ। जब मेरा एमडीआर का ट्रीटमेंट चला था तो मैं बेड रिडन थी फॉर 6 मंथ्स, तो उस टाइम ये था कि हम मतलब मेरी फैमिली प्रिकॉशंस रखती थी, सारा प्रिकॉशन रखना है उन्होंने, अपनी डाइट का भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर वो स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो मेरा ध्यान कैसे रखते, तो मेरे से सो नहीं सकती थी मैं उस टाइम, मतलब सोया भी नहीं जाता था, मैं रिलेटिव पाती थी, तो मैं अपने फादर के टमी पे, जैसे छोटा बच्चा सोता है ना, जैसे छोटे बच्चे को हम पेट पे सुलाते हैं, तो मैं वैसे 6 महीने मेरे फादर ने मुझे सुलाया था, एंड आई वॉज लाइक 23-24 एट दैट टाइम, तो 6 महीने मुझे वैसे सुलाया है। बट उसके बाद जब थोड़ा मैं रिकवरी हुई, तो जो मेरे अभी हस्बैंड हैं, जो पार्टनर, वो भी मुझे ड्यूरिंग मेरे एमडीआर ट्रीटमेंट के दौरान ही मिले हुए थे, तो उनका मेरे को बहुत सपोर्ट रहा है, हमेशा से ही सपोर्ट रहा है उनका हमेशा, कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी उन्होंने ऐसा फील करवाया हो, उन्होंने हमेशा मुझे ये किया, सपोर्ट किया कि हाँ तू कर सकती है, तू ये भी कर सकती है, तू सब कर सकती है। इवन जब मेरा ये छूट गया था, मैंने आपको बताया स्टडी छूट गया था, तो उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया कि नहीं तू स्टार्ट कर दोबारा, तो मैंने जब मेरे एमडीआर का ट्रीटमेंट चल रहा था, साल हो गया, तो दोबारा मैंने इसमें एमबीए में एनरोल कर लिया था डिस्टेंस में ही,
तो मैंने अपना जो एमबीए था ड्यूरिंग एमडीआर ट्रीटमेंट के दौरान ही वो कंप्लीट किया फिर। सो मेरे फादर मेरे को ऐसे जोक बोलते थे कि तूने एमबीए की डिग्री तो ली नहीं, तूने एमडीआर की डिग्री ले ली, तो ये मतलब क्योंकि 2 साल का कोर्स है, तो वो ऐसे जोक करते थे मेरे साथ, मजाक करते रहते थे। सो उनका रहा हमेशा से ही, और बाद में जब मैं ठीक भी हो गई तो बाद में जॉब करने भी निकल गई। तो मतलब मैं हमेशा से वोकल थी अपने टीवी के बारे में, अपने फ्रेंड्स से भी, और फ्रेंड्स का भी काफी सपोर्ट। उसके बाद ये हुआ कि 2018 या 19 में कुछ लोगों ने मेरे कांटेक्ट किया कि शिमला से है सुमित शर्मा, उन्होंने कांटेक्ट किया, उनको उस टाइम टीवी था, तो उनसे मेरी बात हुई। फिर हम एक दो और जने मिले, फिर हमने ग्रुप बनाया उस टाइम, तो ग्रुप में और भी लोग ऐड हुए, 60 से 70 लोग उसमें ऐड हो गए थे। तो हम वहां पे क्वेरी सॉल्व करते थे लोगों की, जो भी टीवी पेशेंट, इवन बातें करते थे, क्योंकि जो टीवी पेशेंट है वो अपनी बात अपनी फैमिली से खुल के नहीं कर पाएगा, क्या उसके स्ट्रगल्स चल रहे हैं, क्योंकि हमें ये लगता है ना कि वो ऑलरेडी इतना कुछ झेल रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, और फिर बताएंगे वो और दुखी हो जाएंगे। तो वो चीजें जो थे हम एक दूसरे से बांटते थे, उसमें एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते थे। तो सुमित का भी ट्रीटमेंट खत्म हो गया, वो भी हेल्प करने लगा, और भी लोग जुड़े, काफी लोग जुड़ गए। तो उसके जब लॉकडाउन हो गया तो मैंने सोचा कि मुझे यूट्यूब चैनल में स्टार्ट कर देती हूँ उसके लिए। तो मैंने घर वालों से तो हमेशा से सपोर्ट में थे, तो उसके बाद स्टार्ट किया। तो बस उसके बाद तो जर्नी मेरी स्मूथ ही रही है। इस पे यूट्यूब पे भी लोग जुड़े हुए हैं, अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे उस पे भी जुड़े हुए हैं, और इंस्टाग्राम पे भी जुड़े हुए हैं। पर ये है कि लोगों को हेल्प चाहिए, मतलब वॉरियर्स को हेल्प चाहिए, बट कुछ लोग जो हैं, मैं वो करूँ, वो वोकल नहीं हो पाते। मतलब कुछ लोग जैसे मेरा इंस्टाग्राम मुझे फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि पता चल लग जाएगा इसको फॉलो कर रहा है, इसकी स्टोरी लाइक कर रहा है, किसी को पता लग गया कि इसकी स्टोरी लाइक कर रहा है, तो लग जाएगा पता कि टीवी से रिलेटेड है। ये भी एक स्टिग्मा है, एक इनडायरेक्ट वे में। बट उनका क्वेरीज वगैरह आता है वो मैं सॉल्व भी करती हूँ, इवन काउंसलिंग सेशन भी देती हूँ। आफ्टर ट्रीटमेंट भी काउंसलिंग सेशन की जरूरत होती है, क्योंकि बैक टू नॉर्मल आना इज वेरी डिफिकल्ट। एक फियर रहता है कि रिलैप्स हो जाएगा, रिलैप्स हो जाएगा। जिनका नहीं हुआ होता है, जिनका हुआ भी होता है, वो रहता ही है, वो हमें भी रहता है, लेकिन खुद को मनाना पड़ता है वो चीज के लिए। तो यही है, उसके बाद मेरी शादी भी हो गई है। जो मेरे इन लॉज हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव हर चीज में। उनका नहीं है, एज अ लाइक एजुकेटेड पर्सन होने का, एजुकेटेड भी नहीं, अपना मेंटेलिटी सेट होता है आई गेस। तो वो भी काफी मतलब इसके बारे में प्राउडली हर मेरी वीडियो शेयर करते हैं, सब करते हैं। अभी जब ऋषिकेश में गई थी तब भी मैंने अपने फादर इन लॉ से पूछा था, ही वॉज लाइक यस यू शुड गो देयर, कुछ सीखोगी, कुछ मिलोगी 4 लोगों से, तो तुम्हारा भी आगे मतलब फर्दर अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो हर चीज से मतलब एक बार कह लो कि लकी ही हूँ मैं इस मामले में, हर जगह से, कि मुझे हर जगह से सपोर्ट मिला हुआ था। सो जिसकी वजह से मैं आज लोगों की हेल्प भी कर पा रही हूँ, और जो इश्यूज हैं उस पे आवाज भी उठा पा रही हूँ, और आपसे भी आज बात कर पा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत हमें अच्छा लगा जानकर, और बहुत आई एम वेरी प्राउड कि मैं विजेता एमबीए से बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी की बात है ये। और आपने तो बिल्कुल मुझे जबरदस्त एक डोज दी है, बहुत प्रोत्साहित किया इसको लेके। बहुत बहुत ताकत आपको, और बहुत बहुत साधुवाद आपके पूरे परिवार को, आपके घर पे, और जो आपके हस्बैंड को, और आपके पिताजी को, तो खास तौर से मेरा बहुत बहुत प्रणाम और साधुवाद। बहुत ही को छू लेने वाली और बहुत ही हिम्मत देने वाली पॉजिटिव स्टोरी है। सभी घरों में इस तरह का सपोर्ट और वातावरण रहे तो फिर स्टिग्मा जैसी की चीज की तो जगह ही नहीं बचेगी। बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। आपको कुछ और कहना चाहेंगी आप इससे पहले कि हम लोग रैप अप करें? बस मुझे तो अभी कुछ नहीं है एग्जैक्टली कहना है, जस्ट एक टीवी डक शॉर्टेज वाला इशू सॉल्व हो जाए, दैट्स व्हाट ऑल आई वांट। क्योंकि उस वो ही एक फाउंड, अभी तो चलो डायग्नोसिस भी होता है, लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग इशू यही है कि अगर जो है वो ही ठीक नहीं हो पाएंगे तो अवेयरनेस का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास मेडिसिन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर। बस वही एक चीज है कि उस पे अगर हम कुछ कर सकें फर्दर, आपके एंड से, मेरे एंड से कुछ हम फर्दर, कोई हेल्प मिल सके, या किसी अथॉरिटेटिव या पावरफुल पर्सन से हम बात कर सकें, वो कुछ हो सके, तो वो थोड़ा बेटर रहेगा आई गेस। कुछ हेल्प मिल सकती है, थोड़ा मतलब चलो कर रही होगी गवर्नमेंट, पर थोड़ा वो स्पीड अप हो जाए प्रोसेस तो काफी अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, आपकी ये जो बात है विजेता, बिल्कुल हम सब लोग इस मुहिम में साथ में हैं।
आपके कि ये टीबी की ड्रग्स शॉर्टेज कभी भी नहीं होनी चाहिए और ड्रग स्टॉकआउट्स कभी नहीं होने चाहिए। लेकिन आज आपके साथ बात करके मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत प्रोत्साहन मिला और बहुत उम्मीद मिली, और ये बहुत बड़ी बात है। और आप सही मायने में विजेता हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय ही नहीं। और मेरे लिए इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि मैं आपका बहुत पुराना फैन रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करके ऑनलाइन माध्यम से। तो जिन लोगों ने, जो लोग हम लोगों के साथ बीच में जुड़े हैं, उनको मैं एक बार फिर से बता दूं, हम लोग के बीच में थी विजेता कुमारी। विजेता कुमारी जी से हम लोग बात कर रहे थे, और विजेता कुमारी टीबी विजेता है, टीबी के ऊपर विजय प्राप्त करी और एमबीए है, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी जब टीबी बैक्टीरिया से और बीमारी से इनका वास्ता हुआ। और न केवल टीबी पर विजय प्राप्त करी, एक सीरियस फॉर्म की टीबी के ऊपर विजय प्राप्त करी, बल्कि इन्होंने एमबीए भी अपना पूरा किया। और आज ये जो टीबी प्रोग्राम है उसके मैनेजमेंट पे और खास तौर से लोगों को की बहुत मदद कर रही है। तो बहुत बहुत ताकत आपको विजेता, और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट कंटेंट आपका मुझे देखने को मिलता रहेगा, जो कई लोगों का को अलग अलग तरह से प्रोत्साहित करता है, मदद करता है, हौसला देता है। और चलिए इस उम्मीद के साथ कि डायग्नोसिस, सही डायग्नोसिस, पक्की डायग्नोसिस, पक्की जांच हकीकत बने, जो मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक्स है WHO के हिसाब से, सही इलाज हकीकत बने, जिसका मतलब है DST जांच के बाद जो दवाएं उस इंसान के ऊपर काम करती हैं उन्हीं दवाओं के साथ इलाज हो। और जैसे कि आपने कहा कि ड्रग स्टॉकआउट और ड्रग और शॉर्टेज जैसी कोई भी चीज ना हो, और बाकी भी जो उसे सपोर्ट और केयर चाहिए वो भी देनी बहुत जरूरी। आपने पोषण का कहा कि आपके परिवार वाले ने काफी ध्यान रखा, अपना भी और आपका भी, तो न्यूट्रिशन का बहुत मुझे भी बड़ा मिला रोल। था, हाँ मुझे जी भी मिला था अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ वाओ से एक न्यूट्रिशन पाउडर आता था, मतलब उसमें काफी सारी चीजें मिक्स होती जी थी, तो वो उस टाइम से उनका चला हुआ है। अब तो और भी उनमें चला हुआ, निक्षय मित्र योजना भी चलाई हुई है। सो अगर कोई भी पर्सन जो है किसी टीवी पर्सन को सपोर्ट कर सकता है, करना चाहता है, तो वो कर सकता है। उसको राशन दे सकता है, न्यूट्रिशन का कोई भी चीज दे सकता है। तो अब तो चला हुआ है, बहुत सारी चीजें चली हुई है, गवर्नमेंट काफी एफर्ट डाल रही है। जी चलिए, ये तो एक और अच्छी बात, तो पॉजिटिव बात के साथ तो हम लोग इसको खत्म करते हैं, और उम्मीद है कि फिर कभी आपसे रूबरू होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वेलकम, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।